यहाँ पर देख सकते हैं पटना तैयार हो रहा है आपके लिए। GoPro 11 का ये वीडियो नाइट का पहला वीडियो देखना चाहते हैं कि GoPro 11 जो हमने मंगवाया है ये रात में कैसा रिजल्ट देता है। साथ ही दीपावली के बाद छठ पूजा को लेकर के क्या तैयारियां चल रही है यहाँ पर, नाइट में नाइट व्यू कैसा आता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आज 28 तारीख को ये वीडियो हम बना रहे हैं और आई होप ये क्राउंड हम सिर्फ मारेंगे, छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम क्वालिटी भी देखेंगे कि क्वालिटी कैसी है इस GoPro की नाइट में। और ये देखिए तो ये झकाझक पटना को कलकत्ता बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं पोल पे जो लड़ी होता है पाइप वाला लाइट जो होता है वो लगाया गया और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये आप देख सकते हैं। ये अगम कुआं फ्लाईओवर जहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शीतला माँ के दर्शन भी आपके होंगे सामने, आपको लाल रंग का राइट साइड में आपको दिख रहा है, थोड़ा हम स्लो हो जाते हैं वो देखिए सामने आपको वो शीतला अगम कुआं है, शीतला माँ का मंदिर है। और ये एक चला जाता है रास्ता राजेंद्र नगर की तरफ और दूसरा रास्ता चला जाता है इधर पटना सिटी की तरफ, भावगंज की तरफ, महाराजगंज की तरफ। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लुक आ रहा है इसका ये आप देख सकते हैं। और छठ पूजा में ऐसे भी रंग रोगन कर दिया जाता है, यहाँ पे नहीं हुआ है, कल कुछ काम हो रहा था यहाँ पर मैं देखा था, लेकिन अभी टिमटिमाता हुआ लाइट देख सकते हैं। महात्मा गांधी सेतु आपको सामने दिख सकता है जिस पर गाड़ियाँ चल रही है और ये देख सकते हैं। यहाँ से हम मूव करेंगे और NMCH की तरफ बढ़ेंगे और उधर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। शहर में अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको ये वीडियो सिर्फ ट्रायल में लेना है। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच गया है तो समझिए कि ट्रायल ओके है, अगर नहीं पहुंचा है तो सिर्फ हम ही जानेंगे कि ये है। देखिए कितना खूबसूरत है ये घेरा गया है लाइट से और ये लगाया गया है डिवाइडर पे, कितना खूबसूरत लग रहा है ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। हम यहाँ से घुमाएंगे और घुमा करके फिर हम चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पटना तैयार हो रहा है आपके लिए, मैंने कहा था ना कि कल काम होता वो मैंने देखा था, ये रंग रोगन यहाँ पर चल रहा है, पटना तैयार हो रहा है आपके लिए। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो फ्लाईओवर है ये चढ़ता है राजेंद्र नगर की तरफ से, लेकिन उतरता है तीन तरफ, एक उतरता है गुलजारबाग स्टेशन की तरफ, दूसरा उतरता है NMCH की तरफ और तीसरा उतरता है पटना पहाड़ी की तरफ। तो ये खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पता नहीं कैसा रिजल्ट आ रहा होगा, अब ये तो देख के ही पता चलेगा। यहाँ आपको खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लौटते हुए भी दिखा रहे हैं। यहाँ के सामने वहाँ मंदिर है, शीतला माँ का मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध जगह है ये और काफ़ी पौराणिक जगह है। यहाँ पर रात हो गया है, अभी रात्रि के 10:05 हुआ है और देख सकते हैं कि छठ पूजा को लेकर के तैयारियाँ चल रही है। वहाँ पर वो देखिए फव्वारे से गाड़ी धोया जा रहा है, ये देख सकते हैं धोने के लिए आया था पूल, धुला रहा है गाड़ी, क्या बात है। ये खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटना की खूबसूरत तस्वीर, पटना सिटी खूबसूरत। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ NMCH की तरफ बढ़ रहा है, यह होता रहता है, ये सब काफ़ी जाम लगा था। ये सब जो फ्लाईओवर बना है ना, रेलवे ओवर ब्रिज बना है तो काफ़ी आराम हो गया है। तो दो चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस GoPro 11 का सबसे पहला चीज़ की ऑडियो क्वालिटी। अभी तो उतना नॉइज नहीं है लेकिन ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है इसकी वो देख रहे हैं। दूसरा चीज़ पिक्चर क्वालिटी का तो कहना नहीं है, स्टेबलाइजेशन भी ये है। और अभी मैं
चल रहा हूँ तो मेरा जो गर्दन है वो हिल रहा है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो रहा है। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ का पोल ही गायब हो गया, यहाँ का ही पोल गायब हो गया, ये देखिए। तो चलिए यहाँ पे आ गए, अब हम लौटते हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीर आपके लिए, हाइपर स्मूथ कैमरा है ये, देखना है हाइपर स्मूथ कैमरा कैसा होता है, मतलब इसका रिजल्ट कैसा होता है। GoPro का सबसे लेटेस्ट वर्जन है GoPro Hero Black, GoPro 11, GoPro Hero Black, GoPro 11, GoPro Hero Black। पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गाड़ी पुल की सफाई में लगी हुई है, तस्वीरों में देख सकते हैं, और साउंड वगैरह भी लगाया जा रहा है। सामने शीतला मंदिर आपको दिख रहा है, अरुण चौ मंदिर, और ये हम घूम गए हैं इस तरफ, क्या बोलते हैं, गुलजारबाग से। तो ये तस्वीर आपको ये फ्लाई ओवर के हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, जो आपको कुछ सुकून दे रहा है। सफाई वगैरह सब कुछ टंच हो गया है, हाँ, जो नालियाँ हैं, जो पानी निकास की नालियाँ हैं, वो सब भरी हुई है, उसकी सफाई नहीं हुई है। अगर पानी बरस जाए तो फिर वो पानी पाइप में नहीं रोड पे बहेगा। ये खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देख सकते। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि कैसा है स्टेबलाइजेशन, कैसा है ऑडियो क्वालिटी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को हम फिर लेंगे किसी और नए अवसर के साथ। जिस रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए ये रेलवे ओवर ब्रिज बना है, ये फ्लाईओवर बना है, वो है हावड़ा पटना दानापुर, हावड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। तस्वीर अगर वाले से आपको दिखाने देख सकते हैं, घर भी डेकोरेट हो जाता है, झालर वगैरह भी लग रहा है, रॉलक्स वगैरह भी लग रहा है, जो हवा के झोंके के साथ काफ़ी सुंदर लग रहा है। कुछ चीज़ें दिन में अच्छी लगेगी और कुछ चीज़ें रात में अच्छी लग रही है। रात में जैसे सब कुछ अच्छी लगती है, तो जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। इस पुल का मैंने चार मुहाना है इसका, चारों मुहाना मैंने कवर किए, ये देख सकते हैं, इधर से ही शुरू किया था वीडियो और इधर से ही हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये है एक छोटी तस्वीर आप सब। हम तैयार हो रहे हैं, आप आ रहे हैं ना,